वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इफिशियंसी ऑफ लैप जॉइंट प्रॉब्लम नंबर टू। प्रॉब्लम नंबर वन मैंने पहले ही करा दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ से। तो आज हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर टू ऑफ लैप जॉइंट। तो लैप जॉइंट हमको गिवन है, हमको इसकी एफिशियंसी निकालनी है। तो हमको लैप जॉइंट गिवन जिसमें प्लेट्स कौन कौन सी है, 18 mm और 2 18 mm प्लेट्स हैं, वो कनेक्टेड है लैप जॉइंट के थ्रू, मतलब एक के ऊपर एक लैप। और बोल्ट्स कितने बोल्ट से कनेक्टेड है, तो ये प्लान में गिवन है आपको बोल्ट्स 9 bolts हैं पूरे, तो 9 bolts हैं। और विड्थ ऑफ प्लेट है आपकी 200 mm, तो ये तो होगी गिवन चीज़ें। और यहाँ पे गिवन और क्या क्या है, एक तो M20 bolts हैं, ग्रेड 4.6 है जिनकी, और जो आपकी प्लेट है उसकी है Fe4110 E250 ग्रेड है। तो हम देख लेते हैं एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको बेसिक वैल्यूज़ कुछ ज़रूरत पड़ेंगी, तो वो क्या होंगी। देखो बोल्ट्स की आपकी ग्रेड दे रखी M20, तो डायमीटर इससे आपको मालूम पड़ जाएगा, जो भी है एम के आगे लिखा हुआ है आपका डायमीटर ऑफ बोल्ट है, मतलब ये बोल्ट का डायमीटर है। तो बोल्ट का डायमीटर क्या है आपका 20 mm। अब आपको डायमीटर ऑफ होल निकालना है, बोल्ट होल या रिविट होल बोल लो। तो ये होल का क्या होगा, बोल्ट का तो हमको मालूम हो गया, अब होल का क्या होगा, तो होल का थोड़ा बड़ा होगा, क्या होगा, सिर्फ आपको 2 ऐड कर देना है। तो बोल्ट होल का जब आप निकालो तो डायमीटर ऑफ बोल्ट में 2 ऐड कर दो, 20 + 2 क्या होगा, 22 mm हो गया, इसकी है ना mm। तो ये हो गया होल के लिए। अब आप देखो कि पिच डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस वगैरह क्या दे रखी, तो पिच डिस्टेंस आपकी दे रखी 60। पिच डिस्टेंस क्या होती है, तो पिच जो होती है वो आपकी बोल्ट होल से बोल्ट होल की डिस्टेंस होती है अलोंग द फोर्स, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स देखो इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब प्लेट को इस तरह एक्सटेंड करूँगा कुछ मैं, तो ये फोर्स के अलोंग जो होती है वो पिच होती है, मतलब बोल्ट से बोल्ट की पिच हो गई। तो ये कितनी 60 गिवन है, ये वैसे एक पिच हो गई, ये दूसरी पिच हो गई इस टाइप से। अब गेज क्या होती है, सेम ही वही है बोल्ट से बोल्ट की दूरी, बट परपेंडिकुलर टू फोर्स, मतलब परपेंडिकुलर मतलब फोर्स के ऐसे, तो ये फोर्स के परपेंडिकुलर ये वाली हुई, तो ये गेज हो गई, ये गेज और ये पिच, फर्क बस इतना ही है, वो पैरेलल होती है और वो परपेंडिकुलर, तो गेज होगी आपकी। और ये क्या है, एज डिस्टेंस या एंड डिस्टेंस बोल लो। एज डिस्टेंस क्या है, देखो प्लेट की जो एज होगी उससे पहले बोल्ट होल की, मतलब यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक मान लो, ये यहाँ से ये सब होगी एज डिस्टेंस, मतलब एज से पहले बोल्ट होल का डिस्टेंस, तो फॉर द 40 mm। तो और आपकी एंड डिस्टेंस क्या होती है, फोर्स के पैरेलल ये होती है एज डिस्टेंस, फोर्स के परपेंडिकुलर, और ये होती है फोर्स के पैरेलल। तो फोर्स के पैरेलल जो होती है एंड की डिस्टेंस, मतलब इस प्लेट का एंड, ना कि इस प्लेट का। तो ये देखो ये बोल्ट होल यहाँ से लेके इसके सेंटर से इस एज तक, एंड तक सॉरी, एंड मतलब फोर्स के पैरेलल, तो ये होगी एंड डिस्टेंस आपकी 40 mm। तो वही सेम चीज़ है, पिच और एंड डिस्टेंस आपके पैरेलल नापी जाती है, और गेज और एज आपकी परपेंडिकुलर नापी जाती है। तो अब आप देख लो कुछ और बेसिक वैल्यूज होती हैं, Fe4110 E250 आपकी ग्रेड दर की स्टील की, अब आपको इसमें Fi और Fu की वैल्यू लिखनी है। Fe आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट अल्टीमेट, तो ये हो गई जो Fe के आगे जो लिखी हुई वो 4110 वो आपकी ये हो गई। और Fi क्या होगा, तो ये ब्रैकेट में जो 250 है वो 250 ब्रैकेट Fi हो जाएगा आपका। अब आप देखना ग्रेड 4.6 है बोल्ट की, तो इसमें भी दो चीज़ों की जरूरत पड़ गया, Fu भी और Fi भी, जैसे हमने स्टील में निकाला प्लेट में निकाला Fu और Fi, वैसे यहाँ पे बोल्ट के लिए भी, बोल्ट के लिए तो Fu और Fi। तो क्या होगा 4.6 के लिए, तो देखो Fi निकालने के लिए आप कुछ भी मत करो कि 4.6 ग्रेड है ना, तो 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4-6 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आएगा 24 आएगा, तो ये 24 ऐसे कैसे लिख दिया और एक जीरो लगा दिया, तो 240 मेगा पास्कल, ये तो इजी है। अगर जैसे मान लो 5.8 होती, 5.8 या 40 ऐसे 400 हो जाता इस टाइप से। अब आप देखो Fu कैसे निकालेंगे, तो देखो 4 है तो उसके आगे बस आपको 2 जीरो लगा देना है, तो 4 के आगे 2 जीरो लगा दिया, ये आपका Fu आ गया। यहाँ तो 0.6 आता, तब आपको 00 लगाना है। अगर आपको मान लो बाई चांस आता है 4.8, एक ग्रेड होगी 4.8 वाली, तो उसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 420 ऐड कर देना, मतलब 0.6 आया तो 00 जोड़ दो, और अगर 0.8 आया तो उसमें 20 और ऐड करना पड़ेगा, मतलब 400 में 20 और ऐड कर देते इस टाइप से। तो ये होगी बेसिक वैल्यूज़ कुछ। फिर हम देखते हैं कि एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, TDN, VDSB और VDPB। तो हम देख लेते हैं तीनों वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। तो पहले हम निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, IS कोड में 800 में पेज नंबर 32 निकालेंगे हम। IS कोड हमारा जो स्टील का कोड है उसके अंदर पेज नंबर 32 निकालेंगे। पेज नंबर 32 पे गिवन आपको, देखो डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, ये प्लेट्स के लिए, तो प्लेट्स के लिए TDN के वैल्यू क्या गिवन है, 0.9 AnFu/γmL। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ये TDN क्या है, 0.9 AnFu/γmL लिख दिया। अब AN के वैल्यू क्या, Fu आपको मालूम है ना, अभी बेसिक वैल्यूज में बताया Fu बता दिया आपको। अब AN क्या है, तो AN देखो ये भी AN आपको अगले पेज में मिल जाएगा आपको। तो AN आपका B-ND0 या H+ summation PSI² / 4GI / T, तो
ये आपकी एरिया हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें देखो ए एन आपका बी माइनस एन डी नॉट मल्टीप्लाई बाई टी। अब ये टर्म मैंने नेगलेक्ट कर दी है, कौन सी, इसमें देखो बी माइनस एन डी नॉट ही ली मैंने, ये टर्म नेगलेक्ट इसलिए की है क्योंकि ये स्टैगर्ड में आती है, जिगजैग जो पिच होती है आपकी उसमें काम आती है, ये हमारी क्या आपकी नॉर्मल पिच है ना, यहाँ पर स्टैगर्ड नहीं है तो ये नॉर्मल है, इसके लिए हमको वो चीज़ टर्म नेगलेक्ट कर देनी है। तो आपका एरिया क्या होगा, तो बी माइनस एन डी नॉट मल्टीप्लाई बाई टी। अब बी आपको मालूम है कि थिकनेस आपकी प्लेट की थिकनेस कितनी गिवन है, 200 mm गिवन है, तो बी आ गया 200। और एन क्या है आपका क्रिटिकल सेक्शन में कितने बोल्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि एन जो है आपका क्रिटिकल सेक्शन के लिए, क्रिटिकल सेक्शन मतलब कि कोई भी एक सेक्शन जो मतलब फर्स्ट ब्रेक होगा। तो देखो ना, सबसे पहले इसको प्लेट को अगर मैं खींचूंगा तो ये तीन बोल्ट ब्रेक होंगे ना, तो ये क्रिटिकल सेक्शन मान लूँ मैं एक, तो इसमें कितने बोल्ट है, 1 2 3, तो ये 1 2 3 बोल्ट क्रिटिकल सेक्शन में हुए, तो 3N हो गया। डी नॉट आपको मालूम है 22 बोल्ट होल मल्टीप्लाई बाय थिकनेस 18, तो प्लेट थिकनेस आपकी गिवन है 18 mm, तो टी आपका गिवन है बी, तो ये पुट कर दो तो टी डी एन क्या आएगा 0.9, ए एन की वैल्यू डालेंगे हम 200 माइनस 3 इंटू 22 मल्टीप्लाई बाय 18, और एफ यू आपका है 410, तो एफ यू 410 अपॉन गामा एम एल। अब गामा एम एल 1.25 ये कहाँ से निकाला, तो गामा एम एल की अगर वैल्यू आपको नहीं मालूम तो इसका भी पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर 30 पे गिवन है, आईएएस कोड में आके पेज नंबर आप 30 खोलेंगे तो ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स की वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पे। तो देखो गामा एम एल ये लिखा हुआ, गामा एम एल क्या लिखी हुई, शॉप फैब्रिकेशन कितनी है 1.25, फील्ड में भी और शॉप में दोनों में 1.25। देखो यहाँ पे गामा एम एल ये गिवन है तो 1.25 यहाँ भी गिवन है, तो 1.25 आपको गामा एम एल की वैल्यू लेनी है, ये तो यहाँ याद कर लो, यहाँ पे पेज नंबर 30 पे आपको वैसे ही मिल जाएगी। अब आप टी डी एन निकालो, सॉल्व करेंगे हम, तो टी डी एन आ गया 712.022.4 न्यूटन, इसको किलो न्यूटन में चेंज करो तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, इसको डिवाइड बाय 1000 अगर मैं करूँ तो क्या आएगा, टी डी एन 712.02 किलो न्यूटन। अब आपको एक वैल्यू आपने निकाल ली, इसको नोट कर लो, आप बॉक्स में बना दो। अब सेकेंड आपको निकालनी है बोल्ट्स के लिए, पहले आपने निकाली प्लेट के लिए, अब आपको क्या करना है बोल्ट्स का निकालना है। तो बोल्ट्स की दो वैल्यूज़ होती हैं आपकी, दो वैल्यूज़ देख लेते कौन कौन सी होती हैं, पहला होता है शीयर में। अब शीयर में आपको निकालना है तो इसके लिए आपको खोलना पड़ेगा पेज नंबर 72, पेज नंबर 72 आपका आईएएस कोड का खोलेंगे आप, सॉरी 75, तो पेज नंबर आपको 75 खोलना है, यहाँ पे आपकी वैल्यूज गिवन है, शीयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट गिवन है, तो ये जो पहली वैल्यू है ना वही है, तो वी डी एस बी क्या है, तो वी एन एस बी अपॉन गामा एम बी गिवन है, तो वी एन एस बी की वैल्यू गिवन है एफ यू बी अपॉन रूट 3 एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी। तो आपको ये वैल्यू सेम यहाँ पे नोट कर लेनी है, इसका पेज नंबर मैंने लिखा नहीं, इसका पेज नंबर है 75 आईएएस कोड में ना, तो वी एन एस बी क्या है एफ यू बी अपॉन रूट 3 एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी। अब आपको एन 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 एस ए एन बी ए एस बी की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, ए एन बी क्या है कि आपका जो थ्रेडेड पोर्शन है बोल्ट का, बोल्ट में दो पोर्शन होता है हमारे पास, एक तो होता है शैंक है ना, और एक होता है थ्रेडेड पार्ट, तो दो पार्ट है हमारे पास, तो एन भी क्या है थ्रेडेड पोर्शन का एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्या आएगा 0.78 पाई बाय 4 टाइम्स डी स्क्वायर। इसमें कुछ भी नहीं, आपको 0.78 ऐड इसलिए किया क्योंकि देखो थ्रेडेड पार्ट है उसमें कुछ एरिया कम हो जाएगा, तो 0.78 मल्टीप्लाई किया पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी क्या है आपका बोल्ट का डायमीटर बोल्ट का है ना, और ए एस बी क्या होगा सिंपली पाई बाय 4 डी स्क्वायर, क्योंकि देखो ये शैंक का है ये वाला जो पार्ट है उसका है, तो उसमें तो कोई माइनस नहीं हो रहा है, तो इसलिए पाई बाय 4 डी स्क्वायर जो शैंक पोर्शन का। तो एन 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 देख लो और एन एस देख लो, एन एन क्या है एन एन 1 और एन एस 0 इन केस ऑफ लैब जॉइंट, ये होता है आपको नोट कर लेना है, इन केस ऑफ लैब जॉइंट हमेशा ध्यान रखना है एन एन 1 होता है एन एस 0 होता है, क्योंकि देखो इस पार्ट में शैंक अगर आप मैं देखूँ कि अगर मैं बोल्ट को ब्रेक मानता हूँ तो कुछ इस तरह से ब्रेक होगा, अगर मैं देखूँ ये बोल्ट फेलियर के टाइम पे अगर ये ब्रेक हो जाए बोल्ट, इस दोनों प्लेट्स अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो बोल्ट कुछ इस तरह से रप्चर होगा है ना, तो मेरे कितने मुझे प्लेन मिलेंगे, तो एक प्लेन मुझे मिलेगा थ्रेडेड पार्ट में शैंक पार्ट में मुझे कोई प्लेन नहीं मिलेगा। इन केस अगर बट जॉइंट होता तो एन एन बी 1 और एन एस बी 1 होता, बस आपको याद रखना है एन एन 1 एन एस 0 लैब जॉइंट। तो वी डी एन एस बी हम वैल्यू निकालेंगे 400 अपॉन रूट 3, एफ यू बी की वैल्यू 400, एफ यू बी 400 आपको गिवन है अपॉन रूट 3। अब एन एन 1 मल्टीप्लाई 0.78 पाई बाय 4 20 स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि एन एस 0 है तो टोटल टर्म 0 हो गई। अब वी एन एस बी निकाला 56590.54 न्यूटन, अब वी एन एस बी आया आपका 56.59 किलो न्यूटन फॉर 1 बोल्ट। अब एक बोल्ट के लिए ये वैल्यू आपको ये ध्यान रखना है, ये आपने निकाली 1 बोल्ट के लिए,
आपके टोटल कितने बोल्ट्स हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आपको फाइनल निकालने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 से मल्टीप्लाई की ये वैल्यू, सिंगल वैल्यू तो क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय 56.59, VNSB 509.31 किलो न्यूटन आपके आई। अब आप देखिए, अब डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकालनी है आपको, ये आपकी आई डिज़ाइन नहीं आई, ये आपने जो ये निकाला इसमें VNSB निकाला आपने, अब VDSB निकालना पड़ेगा डिज़ाइन। तो डिज़ाइन क्या होगा, ये नॉमिनल शेयर कैपेसिटी होगी और ये डिज़ाइन शेयर कैपेसिटी, तो इसमें कुछ भी नहीं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का डिवाइड करना आपको है, तो कुछ नहीं, बस डिज़ाइन में क्या करना है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर डिवाइड करना है। तो VNSB अपॉन गामा MB, जो VNSB आपने वैल्यू निकाली है उसको गामा MB से, तो 509.31 डिवाइडेड बाय 1.25, वही गामा MB मैंने बता रखा पेज नंबर 30 पे वैल्यू गिवन है, आपको नहीं मालूम तो याद भी कर सकते हो या फिर आप देख सकते हो पेज नंबर 30 पे ये गामा MB गिवन है। देखो ये रहा गामा MB, यहाँ पे गिवन है 1.25 दोनों में, तो 1.25 हो गई वैल्यू आपकी, तो 1.25 से डिवाइड किया तो VDSB आया 407.44 किलो न्यूटन। ये हम सेफ्टी के लिए मतलब उसको कम कर देते हैं ताकि सेफ्टी रहे। और अब सेकंड वैल्यू हम निकालेंगे बेयरिंग के अंदर, तो बेयरिंग में VDP भी निकालेंगे हम, तो VDP भी सेम वही पेज नंबर 75 पे, अगर बोल्ट का पूछे तो 75 और प्लेट का तो 32, पेज नंबर 75 हम खोलेंगे फिर से। यहाँ पे पहले तो शेयर की निकाली थी हमने, अब यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये रही हमारी बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, तो बेयरिंग कैपेसिटी VDP भी दी हुई है, VNPB अपॉन गामा MB, VNPB वैल्यू है 2.5 KVDT FU, और फर्दर KB की वैल्यू जो है वो KB की वैल्यू वो भी गिवन है आपको यहाँ पे, स्मॉलर ऑफ E/3D0 P/3D0 -0.25 FUB/FU, यहाँ 1, मतलब इन फोर में स्मॉलर। तो वही हम देख लेते क्या क्या है, तो आपकी VDP भी क्या है 2.5, VNPB क्या है 2.5 KVDT FU, अब KB की वैल्यू हम बता रखा है E/3D0, P/3D0 -0.25 FU/FU और 1, तो E/3D0, तो E क्या है आपकी एंड डिस्टेंस, यहाँ पे आपको गिवन है एंड डिस्टेंस है, ये E जो है वो एंड डिस्टेंस है, एंड एंड पीच डिस्टेंस ऑफ द फास्टनर, तो E आपके एंड डिस्टेंस हो गई। क्वेश्चन में आपके एंड डिस्टेंस गिवन है कि एंड डिस्टेंस मैंने बोला एंड इसके एंड और फोर्स के पैरेलल तो क्या है 40 गिवन है। अब आप एच भी देखो तो 40 है, एंड भी देखो तो 40 है, तो चलेगा कोई बात नहीं। तो 40/3 मल्टीप्लाई बाय DO तो 22 है, तो 0.6 आया। अब पिच आपकी है 60/3×22 -0.25 तो आया 0.65। अब FUB आपको मालूम है, FUB आप 400 बाय FU 410 तो 0.97। अब अगला 1, तो 4, चारों में लीस्ट कौन सी है, तो देखो लीस्ट है हमारी 0.6 वाली, तो यार KB की वैल्यू हमारी 0.6। अब हम KB की वैल्यू इसमें लानी है, आपको D मालूम है, थिकनेस मालूम है, FU मालूम है, तो हम VNPB निकालेंगे 2.5 मल्टीप्लाई 0.6, KB की वैल्यू 0.6 मल्टीप्लाई 20, डायमीटर ऑफ बोल्ट, थिकनेस ऑफ प्लेट, 50 आ गया थिकनेस ऑफ प्लेट, 18 और 410 FU, NPB क्या आएगा 221400 न्यूटन। अब इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो आएगा NPB 221.40 किलो न्यूटन। अब ये वही सेम चीज़ 1 बोल्ट के लिए हमने कैलकुलेट किया है, अब हमको कितने बोल्ट के लिए निकालना है, तो टोटल बोल्ट्स हमारे पास 9, तो 9 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 9 मल्टीप्लाई किया इसमें 9 मल्टीप्लाई बाय 221.40, तो NPB आया हमारा 1992.60 किलो न्यूटन। अब ये हमने निकाला नॉमिनल बियरिंग कैपेसिटी, ये नॉमिनल निकाली एन नॉमिनल। अब डिज़ाइन के लिए क्या करेंगे हम, वही पार्शियल सेफ्टी डिवाइड कर देंगे, तो VDP भी डिज़ाइन क्या आई, तो NPB पॉन गामा MB, तो 1992.60/1.25। अब गामा MB मैंने बता रखा पेज नंबर 30 पे वैल्यू है गिवन है, याद कर लो यहाँ, तो आप VDP भी 1594.08 किलो न्यूटन। अब आपकी 3 वैल्यूज आ गई आपकी है ना, तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होगा, वो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट देखो आप, तो क्या होगा लीस्ट ऑफ TDN, VDSB एंड VDBB भी, तो VDSB और VDPB और TDN में लीस्ट वैल्यू कौन सी आपकी, तो देखो ये हो गया आपकी TDN, ये थी आपकी प्लेट्स के लिए आपने निकाली थी 712.02, और इसके लिए आपने निकाली थी डिज़ाइन वाली देखनी आपको 407.44, और आपने VDP भी निकाली 1594.08, ये तो बहुत ज़्यादा है ये नहीं, अब आप देखो कि ये वाली कम है, तो VDSB कम है फोर सबसे, तो VDSB आपकी क्या हो गई स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंटों की VDSB जो है 407.44, तो ये इन तीनों का लीस्ट है। अब आपको देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, तो अब आपको क्या निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट तक मालूम पड़ गया TDN VDSB और VDPB का लिस्ट होता है, अब आपको निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट क्या निकालना है, ग्रॉस एरिया होता है। अब इसके लिए आपको निकालना है पेज नंबर 32, मैंने पेज नंबर गिवन बता दिया आपको, तो पेज नंबर 32 आप ओपन करेंगे,
पेज नंबर 32 पे यहाँ पे एक तो फॉर्मूला यह होता है हमारा रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन वाला प्लेट्स के लिए। अब एक होता है डिजाइन स्ट्रेंथ टू यील्डिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये होती है हमारी स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। तो ये क्या होती है TDG AGFI अपॉन गामा MO। AG क्या है हमारा ग्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, और FI हमको मालूम है यील्ड स्ट्रेस, और गामा MO पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो आप देखो तो TDG में AG क्या होगा, तो देखो AG है सिंपली जो आपकी प्लेट है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, विथ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। तो विथ कितनी है 200 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस 18, तो वही AG क्या है B मल्टीप्लाई बाय T, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 18। अब FI आपको मालूम 250, FI आपने निकाली यहाँ पे 250, और गामा MO आपको पता होनी चाहिए पेज नंबर 30 पे मैं वैल्यू गिवन है गामा की, गामा MO की, गामा MO कहाँ है तो हमारा यह गामा MO 1.10 है, तो 1.10 हमने वैल्यू डाल दी यहाँ पे। तो TDG आया 81.81 न्यूटन, TDG आपका 818.18 किलो न्यूटन में चेंज कर दिया हमने। अब आप देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट VDSB अपॉन TDG, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हमने निकाल रखा है VDSB अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, जो सॉलिड प्लेट उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी TDG मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज के लिए, तो 407.44 अपॉन 818.18 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इफिशियंसी आई 49.79%। तो ये हो गया आपका परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ लैप जॉइंट का। तो ये था आज का क्वेश्चन हमारा, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर कुछ गलती हुई हो इसमें तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, हम मिलेंगे आपसे, थैंक यू।